हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे अकर्मक और सकर्मक क्रिया। ठीक है, आपका हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है आपका। ठीक है, कि कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में, आज के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी अकर्मक और सकर्मक क्रिया ढूंढने में। ठीक है, आप देखेंगे, मैं ट्रिक की हेल्प से बताऊंगा कि कैसे आप पहचानेंगे कि सबसे आसान तरीका क्या है कि आप अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानें। ठीक है, अगर आप वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप देखेंगे मैंने 7 से 8 जो टॉपिक है हिंदी के ऑलरेडी डाल रखे हैं, जिसमें हमने ट्रिक की हेल्प से या बहुत आसानी तरीके से हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अकर्मक और सकर्मक। आ का मतलब होता है नेगेटिव वर्ड, यानी कि जिसके भी आगे आपको ए लगा मिल जाए तो उसका मतलब होता है कि वो चीज़ क्या है, अपोजिट है। अकर्मक यानी कि कर्म के बिना। ठीक है, कर्म के बिना। सकर्मक यानी कि कर्म के साथ। स मतलब साथ, यानी कि कर्म के साथ हो जो क्रिया, ठीक है, उसमें आपको क्या मिलेगा, कर्म मिले ही मिलेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, अकर्मक क्रिया जो होती है उसका उदाहरण क्या होता है। जैसे कृष्ण हंसता है, मैं बताता हूँ आपको, तो जिस क्रिया से आपको व्यापार का पता चलता है ना कि कोई ना कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, उस व्यापार को करने वाला कौन हो, करता हो, और उस व्यापार का फल भी किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े। अब आप देखिए, कृष्ण हंसता है, तो हंसता है इसमें हंसना क्या है, आपकी क्रिया है, तो इससे आपको हंसना पता चला। ठीक है, व्यापार यहाँ पर क्या हो रहा है, हंसना, यानी कि कृष्ण क्या कर रहा है, हंस रहा है, और उस हंसने का कार्य भी कौन कर रहा है, कृष्ण कर रहा है, यानी कि कृष्ण हंस रहा है तो उस पर ही क्या पड़ रहा है, हंसने का फल पड़ रहा है। अब वो रोएगा तो उसका जो मूड है रोने जैसा दिखेगा, यानी कि जो आप देखेंगे करता है, करने वाला यहाँ पर क्या है, कृष्ण है, कृष्ण यहाँ पर करता है जो कार्य कर रहा है, और हंसना यहाँ पर क्या है, आपकी क्रिया है। ठीक है, यानी कि इस क्रिया से आपको हंसने का पता चला, और इस हंसने को करने वाला कौन है, करता है, और इसका जो व्यापार का जो फल है हंसने का वो किस पर पड़ा है, आपका कृष्ण पर। अब आप देखेंगे एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पर, अगर वो हंस रहा है तो आप देखेंगे उसके मूड से आप पहचान लेंगे कि वो हंस रहा है। ठीक है, यानी कि हंसने का कार्य कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है, और इसका फल भी किस पर पड़ रहा है, बच्चे पर। अब जैसे ही ये हंसने की बजाय क्या करेगा, रोने लग जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सैड हो गया और ये रोने लग गया। ठीक है, आंसू आ रहे हैं इसकी आंखों से। अब आप देखेंगे रोना क्रिया है, ठीक है, और वो करने वाला कौन है, बच्चा है, और उसका फल भी किस पर पड़ रहा है, बच्चे पर, क्योंकि आंसू निकल रहे हैं उसकी आंखों से। ठीक है, तो ये है, यानी कि आपको अकर्मक क्रिया में ध्यान रखना है, सिर्फ कर्ता और आपको एक क्रिया मिलेगी, कर्म आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर एक कर्ता है और एक क्रिया है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं, बच्चा रोता है, ठीक है, रोना यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, वो इसको करने वाला कौन है, बच्चा है। ठीक है, ये आपका कर्ता है, करने वाला, ये आपकी क्रिया है। ठीक है, तो बच्चा रोता है तो रोने का फर्क किस पर पड़ा है, बच्चे पर पड़ा है। ठीक है, तो ये आपकी रोता है कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई, यहाँ पर कर्म नहीं है। दो तरीके से आप पता लगा सकते हैं, या तो आप कर्ता ढूंढिए और क्रिया ढूंढिए, सिर्फ उसमें कर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जो भी कार्य कर्ता करने वाला है उसका इफेक्ट सिर्फ उसी पर पड़े, दूसरी वस्तु पर ना पड़े। ठीक है, ये है, जैसे राम खेलता है, हमने ये नहीं बोला कि वो क्या खेल रहा है, ठीक है, खेलता है सिर्फ। कृष्ण हंसता है, बच्चा रोता है, ठीक है, राम सोता है। ठीक है, उसमें आपने देखा राम करता है और सोना क्या है, क्रिया है, कर्म आपको नहीं मिला इसमें। तो सोने का इफेक्ट क्या है, राम यहां पर लेटा और सो गया, तो इफेक्ट किस पर पड़ा, प्रभाव सोने का, राम पर पड़ा कि वो सो गया। ठीक है, अब जैसे सकर्मक क्रिया है, इसमें उदाहरण क्या है, आपका कर्म के साथ मिलेगा, यानी कि इसमें आपको क्या मिलेगा, क्रिया, कर्ता और कर्म, तीनों चीज मिलेंगी। ठीक है, अगर आपने वाक्य में तीनों चीज ढूंढ ली तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका सकर्मक। ठीक है, इसमें आपको कर्म नहीं मिलेगा, इसमें आपको कर्म मिलेगा। कैसे, राधा फल खाती है,
ठीक है, खाना आपको क्रिया मिल गई यहाँ पर, ठीक है, फल क्या है यहाँ पर, कर्म है और करने वाला कौन है यहाँ पर, राधा है, ठीक है। तो आपने तीनों चीज़ ढूंढ ली, राधा यहाँ पर क्या है, कर्ता यानी कि फल खाने वाली है, ये क्या है आपका फल, कर्म है, और खाना आपका क्या है, क्रिया है, ठीक है। यानी कि जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार खाना है, खाना से आपको क्या पता चला कि इसको क्या है, फल खाया जा रहा है, ठीक है, और जो इफेक्ट पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है, फल पर। जैसे राधा ने फल खाया, एक बाइट ली, ठीक है, फल कुछ ख़त्म हुआ, ठीक है। अब आप देखिए कैसे प्रभाव पड़ रहा है, सेब है जैसे फल मान लेते हैं कोई भी, एक बाइट ली उसने, ये ख़त्म हुआ, दूसरी बाइट ली ख़त्म हुआ, फिर एक और बाइट ली फिर ख़त्म हुआ, फिर ऐसे करते करते क्या हुआ, पूरा फल जो है आपका ख़त्म हो गया। यानी कि प्रभाव राधा पर ना पड़कर किस पर पड़ा, प्रभाव फल पर, क्योंकि फल क्या हुआ, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पहचानेंगे, खुद पर ना पड़कर दूसरे पर प्रभाव पड़े, ठीक है। राधा फल खाती है, तीनों चीज़ मिल गई, पहला आपको ढूंढना है, दूसरा कि खुद पर कर्ता पर प्रभाव ना पड़कर किस पर पड़े, कर्म पर पड़े। अब जैसे कर्म आपका फल है तो फल पर प्रभाव पड़ा है कि फल आपका खत्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक और उदाहरण, राम अमित बोझ उठाता है, ठीक है, कैसे अमित बोझ उठाता है। अब मैंने बताया कि सकर्मक में आपको तीनों चीज़ें देखनी है, कर्ता क्या है यहाँ पर, अमित, ठीक है, बोझ क्या है यहाँ पर, कर्म है, और उठाना क्या है आपकी, क्रिया है। तीनों चीज़ मिल गई, ठीक है। तो कई बच्चे इसमें भी डाउट में रहते हैं कि तीनों चीज़ मिल गई लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चला, फिर बताते हैं एक और ट्रिक मैंने क्या बताई। अमित है यहाँ पर, अमित बना लीजिए, यहाँ पर एक बोझ पड़ा है, कुछ भी मान लीजिए एक्स वाई जेड, अमित ने क्या किया, ये बोझ उठाकर अपने सिर पर रख लिया यहाँ पर, ठीक है, उठाकर रख लिया। तो यानी कि प्रभाव फर्क किस पर पड़ा, बोझ यहाँ पर ज़मीन पर था और ये उठकर इसके ऊपर चला गया, यानी कि उस पर प्रभाव पड़ा है आपका, बोझ पर, ठीक है। यानी कि वो क्या हुआ, उठकर उसके सिर पर आ गया है, ठीक है। तो यानी कि तीनों चीज़ भी मिल गई आपको, कर्ता, कर्म और क्रिया, और प्रभाव भी किस पर पड़ा है, बोझ पर, अमित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो कई बच्चे बोलेंगे सर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, अमित ने उठाया तो उस पर प्रभाव पड़ा है। आपको देखना है कि कर्म मेन कार्य आपको, कर्म भी मिल गया यहाँ पर, बोझ, और बोझ क्या है, उठकर अमित के सिर पर चला गया है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक थी, आपको कैसे पहचानना है, होप आपको डिफिकल्टी नहीं आएंगी। तो कुछ मैंने उदाहरण लिखे हैं तो उसको आप करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं उदाहरण करके, कुछ संदीप चलता है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें संदीप चलता है, तो चलना यहाँ पर क्या है आपकी, क्रिया है, और संदीप क्या है यहाँ पर, करता है। तो संदीप यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, इसने चलना स्टार्ट किया, चलकर ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, फिर चला, फिर चलकर यहाँ पर आ गया। अब आप खुद ही देखिए कि प्रभाव किस पर पड़ा है, संदीप पर, क्योंकि संदीप यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। एक का पॉइंट आपका क्या है, कर्ता पर प्रभाव पड़ा, दूसरा मैंने क्या बताया, सिर्फ आपको क्रिया और कर्ता मिले, कर्म नहीं मिले, तो दोनों पॉइंट आप देख सकते हैं। तो ये आपका कौन सा है, आपका अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, गेहूँ पिस रहा है, गेहूं पीस रहा है, तो यानी कि पीसना क्या है यहां पर, क्रिया है, और गेहूं क्या है यहां पर, कर्ता। गेहूं अपने आप पीस रहा है, कई बच्चे बोलेंगे सर अपने आप तो नहीं पीसेगा, ठीक है। अब क्या है, कर्ता करने वाला तो कोई और है, हमने मान लिया कि करने वाला कोई और है, मम्मी गेहूं पीस रही है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, मम्मी करता है और क्या कर रही है, वो गेहूं पीस रही है, क्योंकि गेहूं पर क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे आपको सिर्फ कर्ता और क्रिया, कर्म आपको नहीं दिखा कि कर्म क्या हो रहा है यहां पर, ठीक है, क्रिया सिर्फ आपको दिखी, गेहूं पीस रहा है। नेक्स्ट है, राम पत्र लिखता है। अब आप देखेंगे राम यहाँ पर करता है यानी कि करने वाला है, पत्र क्या है यहाँ पर, कर्म है, लिखना क्रिया है। राम ने पत्र लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, एक लाइन लिखी, फिर दूसरी लाइन लिखी, फिर तीसरी लाइन लिखी, फिर चौथी लाइन, इस तरह से उसने पूरा पत्र अपना कंप्लीट कर लिया। तो यानी कि प्रभाव किस पर पड़ा, पत्र पर, क्योंकि पत्र क्या है, पहले खाली था, अब लिखकर वो कंप्लीट हो गया है।
पहला कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रभाव किस पर पड़ रहा है आपका, पत्र पर, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, माँ स्वेटर बुनती है, माँ करता है, स्वेटर आपका कर्म है, बुनना क्या है आपका, क्रिया है, तो स्वेटर माँ ने बुननी स्टार्ट करी और बुनकर पूरी स्वेटर बना दी, यानी कि स्वेटर आपकी तैयार हो गई है, तो माँ पर प्रभाव नहीं पड़ा, माँ वैसी की वैसी है तो, लेकिन आपकी स्वेटर बनकर तैयार हो गई है, तो ये आपका क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो आप देखेंगे ये वाले उदाहरण आपके अकर्मक हैं, ये सकर्मक हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया में आज के बाद क्या डिफरेंस है। आप आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आए आप उसमें नहीं उलझेंगे, ठीक है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं, हिंदी को भी ट्रिक की हेल्प से यानी कि आसानी से याद करना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब कभी भी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।